नमस्कार फ्रेंड, जैसे कि मैं आपका मित्र बोल रहा हूं और आज मैं आपको 24 वोल्ट और 1.5 एम्पीयर का पावर सप्लाई के रिपेयरिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप उसको रिपेयर कर सकते हैं और उसको आप बना सकते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये, मैंने इसको ओपन किया तो इसका जो कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर आपको पूरी तरह से वीक हो गया है और इसके साथ आपका जो डायोड लगे रहते हैं चार ब्रिज रेक्टिफायर में, तो वो भी आपके डायोड दो शॉर्ट थे, तो उसको मैंने निकाल लिया है। तो उसको चेक करके मैं लगाऊंगा, फिर इसके बाद आपको क्या सेक्शन चेक करना होगा, जो इसका फ्यूज लगा हुआ है तो फ्यूज को भी चेक करना होगा। और फ्यूज को चेक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि इसके जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं तो ट्रांजिस्टर को चेक करना होगा आपके जो हैं, तो इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे और चेक करने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसको आप रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले मैं इसका कैपेसिटर है तो कैपेसिटर निकाल लेता हूं, और कैपेसिटर इसमें आपका जो लगा हुआ है तो 400 वोल्ट 82 MFD का लगा हुआ है। तो यह इसको मैं सबसे पहले निकाल लेता हूँ, तो निकालने के बाद इसको मैं, तो फ्रेंड्स मैंने इस कैपेसिटर को निकाल लिया है और इस कैपेसिटर को आप देख सकते हैं कि ये फूला हुआ है। तो इसको मैं मीटर को चेक करने के लिए सबसे पहले इसको कंटिन्यूटी डायोड वगैरह चेक करते उसमें रखेंगे, और चेक करने के बाद इसको चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसमें रखेंगे और इसमें रखने के बाद इसमें रखेंगे, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वर्क आपका जो है तो शॉर्ट बता रहा है। तो आपका जो कैपेसिटर है तो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, ये आप देख सकते हैं कि एक साइड में कुछ नहीं बता रहा और एक साइड लगाने में आपका बीप का आवाज़ करता है। तो अभी आप जैसे देख सकते थे बीप का आवाज़ कर रहा था, तो ये डायोड जो आपका कैपेसिटर है तो पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको कुछ यूनिट बताना चाहिए इसको, तो एक भी यूनिट नहीं बता रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक सेम वही है एक हैवी में, तो इसको मैं लगाऊँगा और लगाने के बाद इसको चेक करता हूँ। तो सबसे पहले चेक करने के लिए इसको ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे चेक करेंगे, फिर इसके बाद आपको, तो ये आप देख सकते हैं कुछ यूनिट बताया और कुछ यूनिट बताने के बाद बंद हो गया। तो ये देख सकते हैं कि आप इसको पलटा के चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सही है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि यह कैपेसिटर सही है, और मैं ये वाला आपका दूसरा वाला जो मैंने ख़राब कैपेसिटर है तो उसको चेक करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी यूनिट नहीं बता रहा, मैं इसको पलटा के भी लगा रहा हूँ तो कोई भी यूनिट नहीं बता रहा। तो ये आपका जो कैपेसिटर है तो पूरी तरह से ख़राब है, और इस कैपेसिटर को मैं लगाऊंगा और लगाने के बाद इसको मैं ऑन करूँगा SMPS के। तो ये आप देख सकते हैं कि इस साइड करने में नहीं बता रहा, मगर इसको मैं पलटाऊँगा तो आपका कुछ यूनिट बताएगा और बीप की आवाज़ करेगा और बंद हो जाएगा। तो ये आपका कैपेसिटर जो है तो पूरी तरह से आपका चार्ज है, और इसको मैं लगाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इस SMPS को लगा दिया हूँ कैपेसिटर को, क्योंकि ज़्यादा बड़ा था, और इसके बाद मैं इसको ऑन करूँगा और ऑन करने के बाद देखता हूँ कि क्या वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है पूरी तरह से, और इसमें क्या चलेगा कि नहीं चलेगा। इस पावर SMPS, ये आपका 24 वोल्ट 1.5 एम्पीयर का SMPS रहता है पावर सप्लाई, इसको ऑन करता हूँ और देखता हूँ कि क्या प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या ये बन गया SMPS की नहीं बना है। तो इसको मैं सप्लाई देता हूँ, और सप्लाई देने के बाद इसको मैं ऑन करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि चालू हो चुका है पावर SMPS। तो इस तरह से आप भी रिपेयर कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से।